कभी हाथों में बंदूक उठाकर, बदले की आग में जलकर चंबल की घाटी में बागी रह चुके पूर्व दस्यु रहे रमेश शिकरवार अब श्योपुर के कोनो नेशनल पार्क में आने वाले मेहमान। चीतों की सुरक्षा एक बार फिर बंदूक उठाकर करेंगे। जंगल के शिकारियों से चीतों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी शिकरवार ने ली है। श्योपुर के लहरोनी गांव में रहने वाले पूर्व दस्यु रहे रमेश शिकरवार ने इस बार हाथों में बंदूक किसी की पकड़ के लिए नहीं बल्कि कोनो नेशनल पार्क में बसने वाले दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले चीतों की रक्षा के लिए उठाई है। रमेश शिकरवार को कोनो मंडल ने चीता मित्र बनाकर चीतों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं चीता मित्र बने रमेश शिकरवार कोनो के आसपास गांवों में घूमकर ग्रामीणों को चीतों से नहीं डरने और उन्हें परेशान नहीं करने का पाठ पढ़ाने निकलते हैं और चीतों को शिकारियों से बचाने के साथ गांव के लोगों को भी चीते का दोस्त बनने का संदेश दे रहे हैं और शिकारियों को चेताते हुए शिकार करने पर हाथ काटने की चेतावनी भी दे रहे हैं। इसके अलावा 17 सितंबर को पीएम से चीता मित्र के साथ मुलाकात में भी वो मौजूद रहने वाले हैं। गाँव गाँव में जा रहे लोगों को ये समझा जा रहा है कि चीता जो है एक बिल्ली जैसे होती है, बिल्ली जैसे जानवर, सीधा जानवर है, शेर की तरह खूंखार नहीं है। वो आपको मिल जाता है, कहीं भी चीता मिल जाता है हमको खबर करना, चीता किसी को नुकसान नहीं पहुँचा, ये हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ से आप उसको मारने की नहीं सोचेंगे, चीता आ गया गाँव में हुआ लम्बे आगे चौक खाएगा किसी को नहीं खाएगा, शेर खाता है, चीता बिल्कुल सीधा जानवर है। गाँव गाँव में सूचना दे दिए आता है तो उसको पकड़ेंगे, सेंचुरी में दोबारा छुड़वा दिया जाएगा, बाई चांस कहीं निकल भी आता है तो।